आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं राफेल लड़ाकू विमान भारत की सरजमी पर पहुंच गया इसके स्वागत में प्रधानमंत्री ने संस्कृत में ट्वीट किया राष्ट्र रक्षा सम पुण्यम राष्ट्र रक्षा सम वृतम राष्ट्र रक्षा सम यगो दृष्टो नैव च नैव च चा। नभा स्पृशम दीप्तम स्वागतम भारतीय वायुसेना के बेड़े में पांच सुपर सोनिक राफेल शामिल हो गए हैं इन फाइटर विमानों की अंबाला एयरबेस पर हैप्पी लैंडिंग हो गई है विमानों का एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सल्यूट देकर स्वागत किया गया इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया सहित वायुसेना के प्रमुख अधिकारी मौजूद हैं लैंडिंग से पहले इन विमानों ने अंबाला एयरबेस की परिक्रमा की अंबाला में धूप निकल आई है ऐसे में लैंडिंग में कोई समस्या नहीं रही चीन के साथ विवाद के बीच राफेल लड़ाकू विमानों के आने से भारत की ताकत में इजाफा माना जा रहा है फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप अंबाला एयरबेस पर पहुंच गई है विमानों के अंबाला एयरबेस पर पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विमान अंबाला में सुरक्षित तरीके से उतर गए हैं राफेल लड़ाकू विमानों का भारत में आना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है इन बहुआयामी विमानों से वायुसेना की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा राफेल विमान का उड़ान के दौरान प्रदर्शन काफी अच्छा है इसमें लगे हथियार रडार एवं अन्य सेंसर तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमताएं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। भारत में राफेल का आगमन भारतीय वायुसेना को हमारे देश पर आने वाले किसी भी खतरे को रोकने के लिए बहुत मजबूत बना देगा रक्षा मंत्री ने राफेल विमान की लैंडिंग का वीडियो भी शेयर किया है इससे पहले जब राफेल विमान के पहले बैच ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया तो उनकी सुरक्षा में दो सुखोई तो विमान आसमान में पहुंच गए थे रक्षा मंत्री कार्यालय की ओर से इसका वीडियो जारी किया गया है वीडियो में देखा जा सकता है कि पांच राफेल फाइटर जेट के साथ दो एस यू थर्टी विमान भी चल रहे हैं फ्रांस की कंपनी द सॉल्ट एविएशन के उत्पादन इकाई से राफेल विमानों ने सोमवार को टेक ऑफ किया था ये विमान लगभग सात किलोमीटर की दूरी तय कर अम्बाला पहुँचे हैं इन विमानों में तीन एक सीट वाले और दो विमान दो सीट वाले हैं राफेल लड़ाकू विमान एयरफोर्स के सत्रहवें स्क्वाडन का हिस्सा होगा इस स्क्वाडन का नाम गोल्डन एरोज है अम्बाला में राफेल के आने पर स्वागत समारोह में मीडिया को इजाजत नहीं दी गई है भारतीय वायुसेना फिलहाल अपने पायलट और सहयोगी स्टाफ को मीडिया से दूर रखना चाहता है बताया जा रहा है कि राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से अगस्त में शामिल किया जाएगा अंबाला एयरबेस के आसपास के इलाकों में धारा एक लागू किया गया है राफेल की लैंडिंग के दौरान लोगों को छतों पर एकत्र होने से भी रोका गया है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही आइकन दबाना ना भूलें